अच्छा, नवरात्र में श्रृंगार का क्या महत्व माना जाता है? माता के श्रृंगार के साथ साथ महिलाएं श्रृंगार करती हैं, इसका क्या महत्व माना गया है और उनके जीवन में ये क्या असर डालता है? देखिए, माँ को 16 श्रृंगार बहुत पसंद है और वही हम सब लेडीज के लिए माँ ने 16 श्रृंगार, अब वो बात अलग है कि अब हम लोगों ने बहुत सारे श्रृंगार और ऐड कर दिए, लेकिन माँ को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आप उस टाइम पर अपने हाथों में भी मेहंदी और पूरा अच्छे से हम लोग सज धज के माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो माँ को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो उस समय जब जिस समय आप कलश चौकी जिस समय लगाते हैं उस समय आप जो माँ को श्रृंगार जरूर अर्पित करें, श्रृंगार से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। जी अच्छा, नवरात्र में यूं तो पूजा अर्चना सभी करते हैं, लेकिन वो कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? देखिए, आप अगर छोटा सा मंत्र भी करें तो भी माँ प्रसन्न है। ओम श्री दुर्गे दुर्गाए नमः का जाप कर सकते हैं, और अगर बहुत दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है वो आप देख के इजीली बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अगर आप दिया जलाते हुए कोई पूजा पाठ करते हुए 108 मंत्र का ये जाप करें तो इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, और ये जाप हर इंसान को करना चाहिए। बिल्कुल, और माँ से बच्चों को उम्मीद होती है। जब भी माँ आती है, शारदीय नवरात्र की बात करें तो हर एक बच्चे को उम्मीद होती है कि ये नवरात्र हमारे लिए खास रहने वाला है और उत्साह से भरा रहने वाला है। तो वो कौन से राशि के जातक हैं जिनके लिए ये वाला इस बार का जो नवरात्र है वो खुशियाँ लेकर आने वाला है? देखिए, वैसे तो सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खासकर अगर हम जाएंगे वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोगों को माँ की खूब अर्चना पूजा और सप्तशती का पाठ के लिए मैं आपको स्पेशल इनको एडवाइस करूँगी कि सप्तशती का पाठ आप ज़रूर करें, जिससे माँ की बहुत कृपा होगी। और वृषभ राशि वालों के लिए ये माँ के नवरात्र बहुत अच्छे हैं जी। कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ इनके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर होगा। और दूसरी राशि मैं आपको बताना चाहूँगी, कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं वो माँ को साबुत चावल जरूर चढ़ाएं, जिससे आपकी किस्मत बहुत चमकेगी। तीसरी राशि मैं आपको बताऊंगी, तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये नवरात्र बहुत खुशियां लेके आएंगे, आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो सब इस समय पर पूर्ण होंगे। आपको मैं बताऊंगी चौथी राशि, चौथी राशि रहेगी आपकी कन्या राशि। कन्या राशि पे इस समय माँ बहुत मेहरबान है, तो इस समय आप खूब दिल से माँ की अर्चना पूजा करें तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फल प्राप्त होंगे।